ऐ परवरदिगार, हजार हा दफ़ा, करोड़ा दफ़ा, हर लम्हा, हर साह दे नाल माफ़ी दा तलबगार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भरा तुहाडी खिदमत च हाज़र आ। मैं वैसे कभी मौलाना फजल रहमान साहब ते कभी गल नहीं की, ना कभी कोई उन्हां दे उत्ते वध घट गल की आ, लेकिन अज मैं एक स्पैशल प्रोग्राम समझ लो अज की जी मेरी वीडियो आ वह मौलाना फजल रहमान ते आ। वजह कि एक हाफज साहब ने एक बयान दिता, हाफज हुसैन अहमद साहब ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो जो लफज इस्तेमाल किए हो कह सकते आ, बुजुर्ग भी आ, बड़े भी आ, सियासतदान भी आ, पावरफुल भी आ, वह कह सकते आ, लेकिन चलो मौलाना फजल रहमान साहब जोड़े आ वो एक आलमे दीन भी घुमाते अपने आप में, दूजियां भावें यहूदी कह देंगे, ठीक है ना जी, तो किसी कुछ कह देंगे, लेकिन फिर भी सानू उन्हां दा एहतराम करना चाहिए। उन्हां दे चेहरे के उत्ते सुन्नत रसूल आ, सानू उदा ही हया करना चाहिए। तो जिहड़ा बंदा सुन्नत रसूल वाला होवे, जिहदे चेहरे ते अल्लाह ताला ने सुन्नत रसूल दित्ती होवे, उस बंदे वास्ते भी फर्ज बनता कि वह हक सच की गल करे और ईमान दे उत्ते कायम रहे, अपने आप नू ये जाहर करे कि मैं जो बोल रहा मैं सुन्नत रसूल दे उत्ते चल के अपने मूँह चो अल्फाज कढ़ रहा जिहड़े मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल नू नहीं दुखाणगे, मेरे अल्लाह नू नाराज नहीं करनगे, उन्हां गल्लां दे उत्ते उन्हां नू बयान देने चाहिए। लेकिन इत्थे नक्शा उल्ट ही है कि जदों दा पाकिस्तान बनिया पहले वाल साहब सी इन्हां दे, अल्लाह ताला उन्हां नू जन्नत नसीब करे, वो जो कुछ करते रहे आ, इन्हां दे दादे सी वो जो कुछ करते रहे आ, फिर बागडोर जिहड़ी आ इस काम की वह मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ लग गई। उन्होंने अपने जिहड़ा हैगा वा भी ये चार्ज संभाल लिया, हर जिहड़ी आ हांडी दे विच जिदा कहिंदे मिर्च लसन अदरक ये जरूरी आ, घी जरूरी आ, इस तरह ही हर जदों का पाकिस्तान बनिया वा उदों का लैके हुण तक ये तड़का जिहड़ा मिर्च मसाला ये धनिया पुदीना इहदी शक्ल दे विच मौलाना फजल रहमान साहब किसी ना किसी तरह अटैच रहे आ। अगर किसी ने नहीं गल मनी बाई हुक एंड क्रुक उन्होंने अवेल करन दी कोशिश की आ, पहला एक मैं अपनी जिंदगी पहला दौर देख रहा कि मौलाना साहब जिहड़े आ वो बेचारे जिहड़े आ उस जगह तक नहीं पहुँच सके जिथों तक वो चाहते सी। हाफिज़ साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिती आ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिहड़ी आ आने वाले वक्त जिहड़ी आ बंदूकां कस रही आ लोंग मार्च दियां या वो दियां, उहदे वास्ते दूल्हा भी तैयार किया जा रहा, गड्डियां किराए ते लईयां जा रही, भी किराए की बरात जिहड़ी आ वो लै के ते इस्लामाबाद वल कूच किया जाए, उत्थे को देख के रिश्ता रुश्ता लभ्या जाए, यानी कुछ दिन उत्थे पड़ाव करनगे, फिर जिहड़े उह सियाणे बंदे आ उह बहणगे, बह के उत्थे को रिश्ता लभणगे, रिश्ता लभ के कोशिश करनगे, चलो भी उत्थे को चंगे घर च रिश्ता हो जाए साडा, तो असी अपना मुंडा विआह लिया जी है, जिहड़ा मुंडा बाहर गया है उहदी मैं गल करदा जी, उहनू उहदी शादी वास्ते मतलब कि वह चाह रहे को कोई रिश्ता रुश्ता लभ्या जाए, तो वो इस कोशिश के उत्ते कारबंद होने की कोशिश की जा रही है। हाफ साहब ने कहा कि वह कुछ गल्लां जिहड़ियां वह NRO तय हो रहे आ, ये हुण अदारियां दे उत्ते फैसला वा कि गाला खा के NRO देना तो पहले ही दे दिओ, जे अगर नहीं देना तो फिर उन्होंने धो के जवाब दो, तेल देखो तेल की दार देखो, वो काम ना करो, जे जो बेचारियां जे तुसी दारा लाया वा तो उन्होंने किसी पासे ला दो, जे उन्होंने नहीं लाया तो फिर उन्होंने धो के जवाब दे, उन्होंने कहा भाई जी आओ घोड़ा तो आओ मैदान नस लो जितों तक नसना वा। गल है जी भी मौलाना साहब जिहड़े आ हर वो गल जिहड़ी आ उन्हां दे यानी बर्दाश्त तो बाहर आ, जदों दा इमरान खान हुकूमत च आया ये वाहद एक लीडर सी जिन्हें ना उन्होंने घर गया ना वो मिन्नत की ना उन्हों कोई किसी पासों लिफ्ट कराई कि कुछ जरा वा ना नजरेसानी हो सके। अदारिया ने भी खामोशी रखी, उन्होंने कहा कि अपना पिछला धोना ही धो लो, उ बड़ी गल आ, गांह जी तुम माफ़ी दे दौ, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे, यानी वो कहते ना मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ पर कंबल मुझे नहीं छोड़ता, वो हिसाब वाली गल आ भी अदारे भी कहते बाबा जी तुम घर बह जाओ हूँ आखिरी टाइम आते तो दूसरिया हुकूमत भी कहदियाँ, लेकिन बाबे हुणी जिहड़े आ वो अपनी डगर से
कायम दायम आ, और इहदा नुकसान जिहड़ा वह अपनी पार्टी दे विच कर रहे आ, लोग जिहड़े उन्हां तों बदज़न हो रहे आ। हो सकदा अगले इलैक्शन च बंदे ही लभदे फिरन भी मैं टिकट किहनूं देणा, जिहदे कोल जाणगे उह कहेगा भाई कौण आ, उह कहणगे जी मैं फजल उरहमान आ, मौलाना फजल उरहमान जिहनूं कहिंदे आ, ते उह कहूगा भाई मैं तां माफ़ी दे दिओ मैनूं, मैं तुहाडे नाल नहीं चल सकदा। ये हो सकता, ये मतवक्का वा गल भी आने वाले वक्त दे विच ये गल होवे, बंदा ही कोई ना लब्भे टिकट लैण वाला। इस वास्ते बेहतर है अमन की पुलिसी वाल चलो, ये पाकिस्तान दे विच जिहड़ा कुछ कर लिया उहदे ते शुक्र अलहमदुल्ला कर लो, अगे आने वाले वक्त माफ़ी मंगो, खुदा कोलों माफ़ी मंगो। हर जगह तखरीबकारी, हर जगह उल्ट बयान देना, इहदे नाल कुछ नहीं बनना। वो जिन्होंने तुहानूं लारा लाया है ना, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करनगे कि तुसी जनाब सदर बन जाओ पाकिस्तान दे, वो कभी तुहानूं ये नहीं कहणगे कि तुसी वजीर आजम बन जाओ, कभी वो तुहानूं ये नहीं कहणगे तुहानूं बलदियाती इलैक्शन च तुहानूं जिहड़ी उत्थे जिहड़ी स्पेस पंजाब च असीं दे देंगे, कभी सिंध वाले तुहानूं ये नहीं कहणगे कि तुहानूं असीं सिंध दे विच एडजस्टमेंट कर देंगे। ये मौलाना साहब ये अपने खाबो ख्याल दिमाग चो कढ़ो, फिर अपनी पार्टी नूं मुनज़म करो, जिहड़े को बंदे चार बच गए उन्हां नूं बचा लो, अगर नहीं बचते तो फिर तुसी भी आ चार पांच तीन चार भरा एक बेटा ये जिन्ना को कश करते हो ये जन एस्टैबलिशमेंट की मेहरबानी आ, तुहानूं इत्थों तक लई फिरदे घसीटी फिरदे नाल, चलो आटे नाल घुण भी पिसदा वा, फिर यही हिसाब समझो भी असीं हुण घोणी आ लगे आ इस मुल्क नूं, ते उहदे उत्ते शुक्र अलहमदुल्ला चक्की चो लंघ जाओ तुसीं भी जिदा वह लंघते आ। इस हिसाब ना सोचो, मौलाना साहब हर जगह जिहड़ी दुश्मनी, हर जगह जिहड़ा फतूर आ वह ठीक नहीं हैगा। पाकिस्तान वास्ते मुस्तकिल तौर पर इहदी बेहतरी वास्ते कुछ अपने अंदर भी जिहड़ा वना वह जज्बात पैदा करो, अपने कल्ले अपने घर वास्ते ना हर शा सोची जाओ कि जो कुछ यानी वो किसी ने मैंने एक नारा सुनाया सी पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ मिले घर ले जा, वो गल ना करो, इस पाकिस्तान में भी कुछ दियो, अमन करो। तो तुसी किसे गलत फहमी चो, किसे गलत फहमी चो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुहानू पाकिस्तान पीपल पार्टी या ANP या आ जिहड़ी PDM बनी आ ये तुहानू कुछ रिलीफ दे देणगे, वो तुहानू एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे आ, करन तों बाद तुहानू चुक के उन्होंने बाहर मारना वा, तुसी बाहर बह के हजे तां इमरान खान के खिलाफ हो ना, फिर कई कल वक्त आना कि तुसी इन्हां नू गालां कढ़नियां वा, तुसी इन्हां नू बुरा भला कहना वा, वो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर दिओ, अपनी अल्लाह अल्लाह करो, अपनी पार्टी नूं सिद्धा करो, अपने मुल्क नूं सिद्धा करो, अपनी जिहड़ी आ जिहड़ी इन्हां दे पिछे लग के जलालत खट्टण डए हो, शहर शहर फिरन डए हो ना, उहदे नाल बेहतर ये आ कि अपनी जिहड़ी पार्टी उत्ते मेहनत करो, अपने बंदे मुनज़म करो, मुनज़म करन तों बाद तुसी जनाब कोई अल्लाह तौबा करो, अल्लाह को दुआ भी मंगो, को किसे पीर फड़ो, को तवीज़ फड़ो, उहदे कोलों कराओ, करा के ते अपने हक च दुआ कराओ कि अल्लाह तुहाडी बख्शिश फरमावे, ते तुहानूं कोई अगले इलैक्शन दे विच कोई एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी आ जां को होर जिहड़े आ लोग उत्थे दे आवाम जिहड़ी आ उह तुहाडे ते रहम खा लवे, ते कोई कोई चार सीटां नहीं तां आ वी जांदियां लगदियां वा जिन्हां हालात 'च तुसीं गुजरदे पए हो। यानी अफसोस इस गल दा कि सारे उलमा इकराम जिहड़े पाकिस्तान दे उह सानिया सियालकोट दे उत्ते गए आ, तुसीं अपनी नवीं एक मंजी डाह के बह गए हो, यानी तुसीं उहनां लोकां नूं सपोर्ट कीता जिहड़े लोग उहनां दे हक मतलब कि गलत काम कीता उहनां तुसीं उहनां दे हक 'च बोले हो, लेकिन जिहड़े उलमा सी समझदार सी उन्हां लोगों ने माजरत की, उस कौम को उस मुल्क को माजरत की, तुसी अपने आप नूं उन्हां लोगों के नाल शामिल करने की कोशिश की जिहड़े जालम सी और जुलम किया उन्होंने। इस वास्ते अपनी पुलिसियां ते नज़रसानी करो, अपना आप ते रहमत करो।